बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम लेवल 2 का यूनिट नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, दे लॉस्ट द गेम। ठीक है, तो इसका वोकैबुलरी देखते हैं। यूनिट नंबर 11 में सबसे पहला वर्ड है लॉस्ट, खोना, मिसिंग, गॉन और वैनिश। गेम केल को कहते हैं, पास टाइम, अम्यूजमेंट, मैच और एंटरटेनमेंट। जिम वर्जिश की जगह को कहते हैं, एक्सरसाइज रूम, फिटनेस रूम, स्पोर्ट्स सेंटर। डिसअपॉइंटेड, डिसमेड, लेट डाउन, डिससेटिस्फाइड। बीट, डिफीट, हिट, स्ट्राइक। मैच, कंपटीशन, कंटेस्ट। डिफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन। प्रीटी, अट्रैक्टिव, नाइस, गुड लुकिंग। व्हेन, सम फर्स्ट एन अ कंपटीशन। टीम, लाइन अप, ग्रुप, साइड, स्क्वाड। कोच, ट्रेनर, टीचर, इंस्ट्रक्टर। एथलीट, प्लेयर, स्पोर्ट्स पर्सन, कंपटीटर। किक, लैश आउट, ड्रिबल। चेस, अ गेम प्लेड ऑन अ स्पॉटेड बोर्ड। रिक्रिएशनल, एंटरटेनिंग, फन, स्पेयर टाइम। पॉसिबल, लाइकली, प्रोबेबल। से, स्पीक, अटर। तो से के बाद है एकॉम्प्लिशमेंट, अचीवमेंट, सक्सेस, सैलरी, पे, इनकम, रिम्यूनरेशन। माइक एंड बॉब आर वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल। माइक और बॉब जो है वो घर जा रही है स्कूल से। बॉब हैड अ स्विमिंग रेस दिस आफ्टरनून। बॉब का इस आफ्टरनून पर स्विमिंग रेस था। एंड हिज जिम क्लास, उसके जिम के क्लास में। तो माइक और बॉब के दरमियान कन्वर्सेशन होता है। हाउ डिड यूर रेस गो, आपका रेस कैसा था? बॉब, ऑफुल, फजूल। आई केम इन लास्ट, मैं आखिरी आ गया था। माइक, लास्ट, आखिरी। यू केम इन फर्स्ट लास्ट मंथ, गुजरे हुए महीने में आप फर्स्ट आए थे। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है? बॉब, आई गेस आई एम आउट ऑफ शेप, मेरे ख्याल से मैं शेप से आउट हूं। तो शेप से आउट होना, इसका मतलब यह है कि वजन बढ़ जाना। इवन जीनो कैन बीट मी, हत्ता जीनो भी मुझे शिकस्त दे सकता है। वी हैड अ रेस लास्ट नाइट एंड ही वॉन, हमने रेस लगाया था कल रात और उसने जीता था। माइक, वेल, अच्छा। यू डिडंट गेट एनी एक्सरसाइज फॉर वीक्स, आपने कई हफ्तों के लिए कुछ एक्सरसाइज नहीं किया था। यू जस्ट सेट होम एंड स्टडीड, आप सिर्फ घर पर बैठे थे और आपने मुतालिया किया था। बॉब, दैट्स ट्रू, ये हकीकत है। फ्रॉम नाउ ऑन, अभी अब से, आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज एज मच एज पॉसिबल, मैं एक्सरसाइज के लिए जाऊंगा जितना मुझसे मुमकिन हो, जितना पॉसिबल हो। माइक, यू शुड गो फॉर अ लॉन्ग वॉक एवरी डे, आपको चाहिए कि आप लॉन्ग वॉक के लिए हर दिन चले जाए। दैट्स अ रियली गुड वे टू एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज का एक अच्छा तरीका है। एंड डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर कहते हैं यू शुड वॉक एज क्विकली एज पॉसिबल, आपको वॉक करना चाहिए जितना कि जल्दी आपसे मुमकिन हो। बॉब, या हाँ, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये सब कुछ मैं करूंगा। डिक्टेड्स टीम व्हेन देयर सॉकर मैच लास्ट सैटरडे, क्या लास्ट सैटरडे पर टिट का जो टीम था उन्होंने मैच जीता था? माइक, नो, दे लॉस्ट 3-0 टू वेस्टलेक, नहीं, उन्होंने मैच को हारा था 3-0 पर वेस्टलेक को। टिट वॉज रियली डिसअपॉइंटेड, टिट जो था वो बहुत ज्यादा नाखुश था। वेस्टलेक बीट देम 3-0 द लास्ट टाइम टू, वेस्टलेक जो है उन्होंने लास्ट टाइम भी उनको 3-0 पर शिकस्त दे दिया था। 3-0 का मतलब यह है कि इस टीम ने 3 गोल्स की थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, एक भी गोल नहीं किया था। बॉब, लेट्स फेस इट, अच्छा इसका सामना करते हैं। टिट्स नॉट अ ग्रेट सॉकर प्लेयर, टिट जो है वो सॉकर का अच्छा प्लेयर नहीं है। माइक, दैट्स ट्रू, ये हकीकत है। बट ही इज अ प्रीटी गुड स्विमर, लेकिन वो जो है बहुत अच्छा स्विमर है। बॉब, आई नो, मैं जानता हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू हैव अ रेस विद टिट फॉर अ मंथ और टू, मैं उसके साथ मंथ या टू के लिए रेस नहीं लगाऊंगा। तो वोकैबुलरी एंड कंटेक्स्ट नंबर 1 करते हैं, टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स।
Read the following text, then find the words and expressions in the text, match the definitions below. तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि इन वर्ड्स को एक्सप्लेन करूं, फिर हम इन वर्ड्स को सेंटेंसेस के साथ मैच करेंगे. टिड लाइक स्विमिंग एंड सॉकर. टिड जो है वो स्विमिंग सॉकर पसंद करता है. ही इज अ प्रीटी गुड स्विमर. वो एक अच्छा स्विमर है. लास्ट वीक गुजरे हुए हफ्ते को ही वॉन द 100 मीटर स्विमिंग रेस. उन्होंने 100 मीटर स्विमिंग रेस जीता था. रेस मुकाबले को कहते हैं वॉन. जो है ये विन का सेकंड फॉर्म है. टिड एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स आर आल्सो ऑन अ सॉकर टीम. टिड और उनके कुछ दोस्त भी सॉकर टीम में है. दे हैव अ वेरी गुड कोच. उनका एक अच्छा कोच है, सरबराह है. द कोच गिव्स वंडरफुल एडवाइस. वो जो कोच है इनको हैरानकुन नसीहत देते हैं. ही थैंक्स हिज एथलीट्स नीड टू प्रैक्टिस मोर. वो ये सोचता है कि उनके जो एथलीट्स है, जो खिलाड़ी है, उनको और प्रैक्टिस की जरूरत है. ही सेज दे शुड लर्न टू रन फास्ट. वो कहता है कि इनको ये सीखना चाहिए कि कैसी तेज दौड़ेंगे. एंड टू किक द बॉल वेरी हार्ड. और कैसे बॉल को हार्ड किक करेंगे. किक मतलब है लात मारना. हार्ड सख्त. रन फास्ट तेज दौड़ना. ऑल्सो बी द एथलीट्स डोंट स्टे कॉम एनफ एट सॉकर इवेंट्स. एथलीट्स जो होते हैं वो कॉम यानी खामोश नहीं बैठते सॉकर के दौरान, सॉकर के मैचेस के दौरान. द कोच थैंक्स. कोच ये सोचता है दे नीड टू रिलैक्स मोर. इनको और आराम करना चाहिए. एंड टू गो टू बेड अर्ली. और इनको सवेरे बेड को जाना चाहिए. द नाइट बिफोर एन इम्पोर्टेंट मैच. एक जरूरी मैच से एक रात पहले. अच्छा, दिस वर्ड मीन्स अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स. तो इसको हम टीम कहेंगे. This person teaches and gives advice to member of a team. तो इसको हम कोच कहेंगे. This is another word for a person who plays sports. तो इसको हम एथलीट कहेंगे. You do this when you want to get somewhere very quickly. तो run fast. This is the opposite of nervous. तो calm हो गया. You do this with the ball in soccer and football but not in tennis. तो इसको हम kick कहेंगे. Presentation number 2, giving sports results, simple past of irregular verbs, come, when, lose and beat. अच्छा, irregular verbs कौन से verbs होते हैं? ये वो verbs होते हैं जिसके second form में DED या IED का इजाफा नहीं होता. तो हम उसे irregular verbs कहते हैं. जैसा कि come हो गया तो come का second form है came. When हो गया तो when का second form है won. इसी तरह लूज हो गया तो लूज का सेकंड फॉर्म है लास्ट. बीट का सेकंड फॉर्म बीट है. यही इसका सेकंड फॉर्म भी है. तो इसमें डी ई डी आई ई डी का इस्तेमाल नहीं हुआ है. तो ये सारे के सारे इररेगुलर वर्ब्स हैं. अच्छा, माइक हाउ वाज योर रेस. आपका रेस कैसा था? बाबा फुल फसूल. आई केम इन लास्ट. मैं आखिर में आ गया था. माइक हाउ वाज टिड्स रेस. टिड का रेस कैसा था? बॉब ग्रेट उमदा. ही केम इन फर्स्ट. वो फर्स्ट आ गया था. सम रिस्पॉन्स जैसे कि ग्रेट, उमदा, नॉट सो गुड, अच्छा नहीं था, नॉट बैड, बुरा नहीं था, फुल फजूल, ओके, मतलब है ठीक. अच्छा, ये जीनो क्वेश्चन कर रहा है. डिड टिड्स टीम विन देयर मैच लास्ट सैटरडे. क्या टिड के टीम ने मैच जीता था गुजरे हुए सैटरडे को? तो डिड का इस्तेमाल हुआ है. तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. विन लगाएंगे, वोन नहीं लगाएंगे. No, they lost 3-0 to Westlake. नहीं, उन्होंने हारा था 3-0 पर Westlake को. जी नो, 3-0 पर. That's all fully. ये तो फजूल है. I know, मैं जानता हूँ. In Westlake beat Winfield 3-0 the last time too. मैं ये भी जानता हूँ कि उन्होंने शिकस्त दिया था Winfield टीम को 3-0 पर last time भी. Well, अच्छा, at least come, they won their match with Riverview. उन्होंने रिवरव्यू के साथ अपना मैच जीता था. बॉब, डिड यू वैन यूअर सॉकर मैच टूडे. क्या आपने आज सॉकर मैच जीता था? नो, वी टाइट. नहीं, ड्रॉ हो गया था 1-1 पर. अच्छा, प्रैक्टिस नंबर 3, वर्क विद अ पार्टनर, टेक टर्न्स आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ द रेसेस इन द चार्ट. हाउ वॉज माइक्स रेस. माइक का रेस कैसा था? नॉट सो गुड, अच्छा नहीं था. He came in 9th, वो 9th आ गया था.
तो ये चार्ट आप देख सकते हैं, माइक नाइन्थ पर आया है, जॉयस थर्ड, टॉम टेंथ, हॉवर्ड सेकंड, सिकेला फर्स्ट, ग्लोरिया एट्थ। तो ये ग्लोरिया जो है ये मैंने आपके लिए किया है। तो आप लोग इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं, हाउ वाज ग्लोरियाज रेस, ग्लोरिया का रेस कैसा था? नॉट सो गुड, अच्छा नहीं था। शी केम इन एट्थ, वो एट नंबर पर आई थी। अच्छा, तो ये प्रैक्टिस है, वर्क विद अ पार्टनर, टेक टर्न्स आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ द सॉकर मैचेस इन द चार्ट। तो आप इन रिजल्ट्स के हवाले से क्वेश्चंस करेंगे। ये एग्जांपल्स है, डिड विनफील्ड विन देयर मैच इन अक्टूबर 19th। तो विनफील्ड आप अक्टूबर 19th में देख सकते हैं कि उन्होंने मैच जीता था, रिवरव्यू ने 2 गोल्स किए थे, इन्होंने 3 किए थे। यस दे डिड, दे बीट रिवरव्यू 3-2। इसी तरह डेड रिवर व्यू वेन दे आर मैच इन अक्टूबर 19, तो अक्टूबर 19 में आप रिवर व्यू देख सकते हैं, अक्टूबर 19, ये अक्टूबर 19 का मैच है रिवर व्यू का, तो उन्होंने हारा था, उन्होंने 2 गोल्स किए थे, विनफील्ड ने 3 किए थे। डेड रिवर व्यू वेन दे आर मैच इन अक्टूबर 19th, नो दे डिडंट, दे लास्ट 3-2 टू विनफील्ड। ठीक है, तो इसी तरह आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग वेस्ट लेग के हवाले से क्वेश्चन करेंगे, तो डिड वेस्ट लेग विन देयर मैच ऑन नवंबर 7, क्या वेस्ट लेग ने नवंबर 7 पर अपने मैच जीता था? यस दे डिड, हाँ उन्होंने जीता था। दे बीट मिडल टाउन 2-1, उन्होंने मिडल टाउन को शिकस्त दिया था 2-1। तो इसी तरह आपने प्रैक्टिस करना है, ये आप लोगों का होमवर्क है। प्रेजेंटेशन को देखते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस मी, अस एंड देम। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस जो है, दोज प्रोनाउंस विच टेक प्लेस इन द ऑब्जेक्ट, ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट में हम लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही बीट देम, तो देम जो है ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। सब्जेक्ट प्रोनाउंस ये है, आई, वी, यू, दे, ही, शी एंड इट। तो आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है मी, वी का है अस, यू का है यू, दे का है देम, ही का है हेम, शी का है हर, एन एट का खुद ही एट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। माइक, यू केम इन लास्ट, आप लास्ट में आए थे। व्हाट हैपेंड बाब, क्या हुआ था बाब? बाब, आई गेस आई एम आउट ऑफ शेप, मेरे ख्याल से मैं शेप से बाहर हूँ, मेरा वजन ज्यादा हो गया है। इवन जीनो कैन बीट मी, हत्ता जीनो भी मुझे शिकस्त दे सकता है। आई का है मी, वी का है अस, दे का है देम। Did Winfield beat Riverview in October? क्या Winfield ने अक्टूबर को बीट किया था? Sorry, Winfield ने Riverview को बीट किया था अक्टूबर में, या we beat them 3-2? हाँ, हमने उनको शिकस्त दिया था 3-2 पर। ठीक है, Bob, I think they are going to beat us next month. मेरे ख्याल से वो हमें शिकस्त देंगे आने वाले महीने में। Oh, why? ओह क्यू? बिकॉज दे प्रैक्टिस अलॉट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, एंड प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ठीक है, व्हाट वुड द पीपल से इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, यूज मी, अस, और देम। आपने मी, अस, और देम का इस्तेमाल करना है। ठीक है, डिड बिफोर हिज टीम सॉकर मैच विद रिवरव्यू, दे आर गुड प्लेयर्स बट वी कैन बीट देम। जीनो बिफोर अ स्विमिंग रेस विद सैम, ही स्विम्स वेरी वेल, ही इज गोइंग टू बीट मी, अपनी तरफ इशारा करता है। ग्लोरिया एंड सिकेला बिफोर अ सॉकर मैच ऑन अ विट डे, वी डोंट हैव अ कॉल बट सैम कैन टेक अस टू द मैच। अस, वी के लिए हम अस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बाकी जो है ये आप लोगों का होमवर्क है, आपने खुद करना है। प्रैक्टिस नंबर 7, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको जज कर रही है कि कहाँ पर आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर आप ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। आर यू गोइंग टू प्ले मिडिल टाउन सून? डिड, यस, एंड वी आर गोइंग टू बीट देम, तो दे के बजाय हम देम लगाएंगे। डिड यू प्ले रिवरव्यू लास्ट मंथ? डिड, यस, एंड वी बीट देम। तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन लगाएंगे, इन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर वी आएगा, यहाँ पर देन। डिड यू प्ले टेनिस विद जॉयस टूडे लेजा? यस आई डिड, एंड शी बीट मी। ठीक है, आई नहीं लगाएंगे क्योंकि वर्ब के बाद है। बाकी आपका होमवर्क, डिस्क्राइबिंग समवन्स एबिलिटीज, हम किसी का एबिलिटीज कैसे बयान करेंगे? तो एबिलिटीज को बयान करने के लिए हम ज्यादातर कैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा नो प्लस वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट प्लस नो प्लस वर्ब, ही नोज
playing cricket, etc. ठीक है, और हाउ टू इसी नोज हाउ टू प्लस आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, ही नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट. इसके अलावा हम ER का इस्तेमाल करने के बाद किसी का एबिलिटीज बयान कर सकती है. ही इज अ गुड रनर, तो ये उसका एबिलिटी है. ही इज अ गुड स्विमर, ही इज अ गुड स्कीर, ही इज अ गुड डांसर, सिंगर और आइस स्केटर. मगर सॉकर के लिए हम सॉकर प्लेयर कहेंगे, चेस प्लेयर, वॉलीबॉल प्लेयर, टेनिस प्लेयर, बेसबॉल प्लेयर एंड बास्केटबॉल प्लेयर. लिजा लाइक्स आइस स्केटिंग, लिजा आइस स्केटिंग पसंद करती है. शी इज एन एक्सेलेंट आइस स्केटर, वो एक एक्सेलेंट आइस स्केटर है. सेम लाइक्स रनिंग, सेम रनिंग पसंद करता है. ही इज अ वेरी गुड रनर, वो एक अच्छा रनर है. बॉब लाइक्स चेस, बॉब चेस पसंद करता है. ही इज अ गुड चेस प्लेयर, वो चेस का एक शानदार प्लेयर है. इसी तरह लेज लाइक स्कीइंग बट शी इज ओनली अ फेयर स्कीयर, वो स्कीइंग पसंद करती है लेकिन वो मुनासिब स्कीयर है, अच्छी तरह ये स्की नहीं कर सकती. जॉयस लाइक्स डांसिंग बट शी इजंट अ वेरी गुड डांसर, जॉयस डांसिंग पसंद करती है लेकिन वो अच्छी डांसर नहीं है. जिनो लाइक सिंगिंग बट शी इज अ पुअर सिंगर, जिनो सिंगिंग पसंद करता है लेकिन वो एक पुअर सिंगर है, उसका आवाज इतना अच्छा नहीं है. आपने इंट्रोडक्शन करना है, इंटरव्यू 5 क्लासमेट्स अबाउट देयर एबिलिटीज इन स्पोर्ट्स एंड अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, देन फिल इन द चार्ट, यूज द वोकैबुलरी फ्रॉम इट, रिपोर्ट व्हाट यू लर्न टू द क्लास. डू यू लाइक स्कीइंग? यस एंड आई एम अ गुड स्कीयर. यस बट आई एम ओनली अ फेयर स्कीयर. नो बट आई लाइक डांसिंग एंड आई एम अ गुड डांसर. तो आपने क्लासमेट का नाम लिखना है, फॉर एग्जाम्पल कामरान, ठीक है. एक्टिविटी लिखना है, डू यू लाइक सॉकर, उसका एबिलिटी हमने बयान करना है कि क्या वो सॉकर प्ले कर सकता है या नहीं, ठीक है. तो आपने फिर रिपोर्ट देना है, पाब्लो लाइक्स डांसिंग एंड ही इज अ प्रीटी गुड डांसर, कामरान लाइक्स सॉकर एंड ही इज अ प्रीटी गुड सॉकर प्लेयर. प्रेजेंटेशन नंबर 10, डिस्क्राइबिंग हाउ पीपल डू थिंग्स, ये बयान करना कि लोग कैसे काम करते हैं, ठीक है. तो हाउ जब आता है तो हाउ जो है ये वर्ब के हवाले से बात करता है, एडजेक्टिव के हवाले से या अनदर एडवर्ब के हवाले से, ठीक है. तो यहाँ पर एडवर्ब का जिक्र हुआ है, तो एडवर्ब का डिफिनेशन ये है, इट मॉडिफाइज अ वर्ब, ये वर्ब को मॉडिफाई करता है एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव को एंड अनदर एडवर्ब और दूसरे एडवर्ब को. एग्जाम्पल से समझते हैं, ही प्लेज नाइसली, तो प्ले जो है इस सेंटेंस में वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, प्ले एक्शन डिस्क्राइब करता है, इस वजह से ये वर्ब है, ठीक है. अब नाइसली जो है ये इस प्लेस के हवाले से बात कर रहा है कि मतलब वो अच्छी तरह खेलता है, ठीक है. तो नाइसली जो है ये एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब के हवाले से बात करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है. सेकंड हम ये करते हैं कि एडजेक्टिव कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन. अच्छा, नाइस जो है ये ही को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, या पर्सन को डिस्क्राइब करता है, तो ये एडजेक्टिव बन गया. तो वेरी जो है ये नाइस की मीनिंग में इजाफा करता है कि वेरी नाइस पर्सन, तो वेरी जो है ये एडवर्ब है, ठीक है. तो इस तरह ये एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है. अनदर एडवर्ब कैसे डिस्क्राइब करता है, शी रन्स वेरी क्विकली, तो क्विकली जो है ये एक एडवर्ब है, वेरी जो है ये एक दूसरा एडवर्ब है, क्योंकि ये क्विकली जो है ये रन्स को डिस्क्राइब करता है, तो ये वर्ब है, तो ऑलरेडी ये एडवर्ब बन गया. और वेरी जो है ये एडवर्ब की मानी में इजाफा करता है, तो ये एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है. यूज एडवर्ब्स टू डिस्क्राइब हाउ वेल समवन डज समथिंग, तो इसमें वेल एक एडवर्ब है, बैडली, क्विकली, स्लोली एंड ब्यूटिफुली आर एडवर्ब्स. ज्यादातर एडवर्ब जो होते हैं वो ly पे खत्म होते हैं. क्रिस्टीना लाइक्स टू प्ले चेस एंड शी प्लेज वेरी वेल, वेल जो है ये एडवर्ब है, वो आपको डिस्क्राइब करता है. लिज लाइक्स टू सिंग बट शी डजेंट सिंग वेरी वेल, एडेला लाइक्स टू ड्रा बट शी ड्रॉज बैडली, लेकिन वो अच्छी तरह ड्राइंग नहीं कर सकती, तो बैडली एडवर्ब है. बॉब इज गोइंग टू गो फॉर अ लॉन्ग वॉक, ही इज गोइंग टू वॉक क्विकली, वो लॉन्ग वॉक के लिए जाएगा, वो वॉक क्विकली करेगा. हॉवर्ड लाइक्स टू स्विम बट ही डजेंट स्विम क्विकली, ही स्विम स्लोली, लेकिन वो क्विकली स्विमिंग नहीं करता, वो स्लोली स्विमिंग करता है. लेजर लाइक्स टू सिंग एंड शी सिंग्स ब्यूटिफुली, वो सिंगिंग पसंद करती है और ब्यूटिफुली सिंगिंग भी करती है. कम्प्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग पीपल बाई यूजिंग एन एडवर्ब फ्रॉम 10, तो इससे हम एक एडवर्ब लगा के कम्प्लीट करेंगे. आई थिंक सिकेला इज गोइंग टू बी फेमस वन डे, शी सिंग्स,
तो मेरे ख्याल से सिकेला एक दिन मशहूर होगी, तो वो लोग मशहूर होते हैं जो कि अच्छे गाते हैं, तो हम लगाएंगे शी सिंग्स ब्यूटीफुली। नो वन लाइक्स टू लिसन टू जीनो सिंग, ही सिंग्स बैडली। हर कोई ये पसंद नहीं करता कि उसी सुने, तो हम बैडली लगाएंगे। इसी तरह आपने बाकी करना है। प्रेजेंटेशन नंबर 12, एज प्लस एज पॉसिबल। एज प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस एज पॉसिबल। तो इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। द स्ट्रक्चर इज यूज टू शो द हाइएस्ट स्टेज ऑफ एन एक्शन। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसी एक्शन का हाइएस्ट स्टेज शो करता है, कि मतलब किसने कितनी कोशिश की थी, कितनी हद तक कोशिश की थी। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट देयर एज क्विकली एज पॉसिबल। वो वहां पर गया था इतना जल्दी जितना कि उससे मुमकिन था। तो यहां पर हाइएस्ट स्टेज पर फोकस कर रहा था। एनर्जेटिक, मोर एनर्जेटिक एज पॉसिबल। क्विकली, मोर क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी मतलब हो सके। अ डांसर हैज टू बी एज एनर्जेटिक एज पॉसिबल। डांसर को चाहिए कि वो उतना एनर्जेटिक हो जितना कि मुमकिन हो। तो एनर्जेटिक हम एक स्टेज को बयान करेंगे जो कि सिंपल स्टेज हो। मोर एनर्जेटिक हम मॉडरेट स्टेज में ला सकते हैं। एज एनर्जेटिक एज पॉसिबल, तो ये हाइएस्ट स्टेज है, ठीक है। क्विकली नॉर्मल स्टेज हो गया, मोर क्विकली मॉडरेट हो गया, एज क्विकली एज पॉसिबल हाइएस्ट स्टेज हो गया, ठीक है। यहां पर अ डांसर हैज टू बी एज एनर्जेटिक एज पॉसिबल, एन एथलीट हैज टू रन एज क्विकली एज पॉसिबल। मतलब एक एथलीट को चाहिए कि वो इतना तेज दौड़े जितना कि उससे मुमकिन हो। तो आपने ये प्रैक्टिस करना है। अ फ्लाइट अटेंडेंट हैज टू बी एज नाइस एज पॉसिबल। अ फ्लाइट अटेंडेंट हैज टू हेल्प एज पैसेंजर्स एज मच एज पॉसिबल। अ टाइपिस्ट हैज टू टाइप एज क्विकली एज पॉसिबल। अ टीचर हैज टू बी एज पेशेंट एज पॉसिबल। अ स्टूडेंट हैज टू स्टडी एज मच एज पॉसिबल। अ वेटर हैज टू वॉक एज स्लोली एज पॉसिबल और एज क्विकली एज पॉसिबल, वो डिपेंड करेगा। अ सेल्स पर्सन हैज टू बी एज पेशेंट एज पॉसिबल। तो ये बाकी आप लोगों का होमवर्क है। अच्छा, तो इस प्रैक्टिस को देखते हैं। व्हाट वुड द पीपल इन द फॉलोइंग सिचुएशंस से, कंप्लीट देयर सेंटेंसेस विद एन एक्सप्रेशन विद एज एज पॉसिबल। तो उस स्ट्रक्चर के साथ आपने इनको कंप्लीट करने हैं। अ बॉस टू हर सेक्रेटरी, शी नीड्स अ लेटर वेरी क्विकली, कुड यू टाइप दिस लेटर एज क्विकली एज पॉसिबल। अ मदर टू हर सन, ही इज गोइंग अवे टू कॉलेज, वो कॉलेज के लिए मतलब दूर जाएगा, तो वो लिख रहा है प्लीज राइट एज क्विकली एज पॉसिबल। मतलब कॉलेज के लिए देर होगी, तो इस वजह से ये इसी तरह एडवाइस देगी। अ फादर टू हिज डॉटर, हर ग्रेड्स आर नॉट वेरी गुड, यू शुड स्टडी एज मच एज पॉसिबल। तो ये बाकी जो है ये आप लोगों का होमवर्क है। इसके अलावा ये लिस्टिंग है, लिस्टिंग हम स्किप करते हैं। अच्छा, रीडिंग है। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, व्हाट स्पोर्ट्स डू पीपल इन यूर कंट्री एंजॉय मोस्ट, कौन से स्पोर्ट्स आपके मुल्क में लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। हु आर फेमस एथलीट्स इन यूर कंट्री, कौन से मशहूर एथलीट्स हैं आपके मुल्क में। यूजफुल वोकैबुलरी, आउटस्टैंडिंग, वेरी स्पेशल, मतलब समझ से बाहर। ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज प्रोग्राम, या एक्सरसाइज प्रोग्राम होता है ट्रेनिंग। रिटायर, स्टॉप वर्किंग, इन दिस केस स्टॉप प्लेइंग अ स्पोर्ट। तो रिटायरमेंट जब लोग लेते हैं तो ये बूढ़े होकर लेते हैं, काम को स्टॉप करते हैं, लेकिन इस केस में ये स्पोर्ट्स को इशारा करता है। स्कोर अ गोल, मतलब ये है कि गोल करना। अच्छा, इट्स एन एरेंटीज नोन एज पेल, पेल के नाम से लोग जानते हैं इसको। वॉज बॉर्न इन 1940 इन ब्राजील, 1940 में ब्राजील में पैदा हुई थी। ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग सॉकर प्लेयर, वो एक समझ से बाहर सॉकर प्लेयर थे। बट एज ए बॉय, लेकिन एक लड़की की तरह, ही हैड नो फॉर्मल ट्रेनिंग इन द स्पोर्ट, उसको कोई फॉर्मल यानी सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं मिली थी। ही लर्न टू प्ले सॉकर विद हिज फ्रेंड्स ऑन द बीचेस, उन्होंने सॉकर को सीखा था अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए साहिल समंदर पर, ऑफ रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो में। हिज फर्स्ट मैच फॉर द ब्राजीलियन नेशनल सॉकर टीम वाज इन 1955, उनका फर्स्ट मैच ब्राजीलियन नेशनल टीम के लिए था 1955 में। एंड बाय 1958 और 1958 में ही वाज अ वर्ल्ड फेमस सॉकर प्लेयर, वो दुनिया के मशहूर सॉकर प्लेयर बन गए थे। फ्रॉम 1956 टू 1968 ही स्कोर्ड 1200 गोल्स, तो इसी ड्यूरेशन में उन्होंने 1200 गोल्स किए थे फॉर द सेंटॉस क्लब इन ब्राजील एंड द ब्राजीलियन नेशनल टीम। ही प्लेड फॉर ब्राजील इन 4 वर्ल्ड कप मैचेस,
उन्होंने 4 वर्ल्ड कप मैचेस में ब्राजील के लिए खेला था एंड ब्राजील वोन 3 ऑफ दीज और ब्राजील ने उनमें से 3 जीते थे। एवरीबडी लव टू वॉच पेल, हर कोई लव करता है उसको देखने, मतलब हर कोई जब उसे देखता है तो उससे लव करता है। ही वॉज एन एक्सेलेंट एथलीट एंड अ वंडरफुल टीम मेंबर, वो एक एक्सेलेंट एथलीट भी था यानी खिलाड़ी भी था और टीम का एक हैरानकुन मेंबर था। ही वॉज फनी, मजाहिया बीता टू का मतलब है भी। ही रिटायर्ड फ्रॉम ब्राजीलियन सॉकर इन 1974, वो ब्राजीलियन टीम से उन्होंने इस्तीफा ले लिया 1974 में। एंड द नेक्स्ट ईयर ही वेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और आने वाले साल में वो यूनाइटेड स्टेट्स चला गया टू प्ले फॉर न्यूयॉर्क कॉस्मोस, ताकि न्यूयॉर्क कॉस्मोस के लिए खेले। ही हेल्प टू मेक द कॉस्मोस टीम अ वेरी गुड वन, उन्होंने मदद की कॉस्मोस की टीम को एक अच्छा टीम बनाने की। ही रिटायर्ड फ्रॉम सॉकर इन 1977, उन्होंने इस्तीफा ले लिया सॉकर से 1977 में। ही नाउ लिव्स इन ब्राजील वेयर ही इज अ सॉकर कोच, वो अभी ब्राजील में रह रहा है जो कि वहां पर सॉकर कोच है। अच्छा, ये बुक जो है ये 2000 से पहले पब्लिश की हुई है, तो अभी हमें ये पता नहीं है कि ये मर गया है या जिंदा है, ठीक है। तो उस वक्त की बात हो रही है कि वो सॉकर का वहां पर कोच है। अच्छा, तो कम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस है, कंप्लीट द चार्ट विद इन्फॉर्मेशन अबाउट पेल, तो पेल के हवाले से इन्फॉर्मेशन के साथ ये चार्ट कंप्लीट करेंगे। उनका लास्ट नेम जो था वो था एरेंटीज, फर्स्ट नेम उनका था एडसन, प्लेस ऑफ बर्थ था ब्राजील, ईयर ऑफ बर्थ उनका था 1940, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एज अ बॉय, तो हम कह सकते हैं प्लेइंग सॉकर ऑन द बीचेस ऑफ रियो विद हिज फ्रेंड्स, उनको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली थी। एज एट फर्स्ट मैच फॉर द नेशनल टीम, तो उनकी एज उसी दौरान क्या थी, 15 ईयर्स ओल्ड, ही वॉज 15 ईयर्स ओल्ड। रीजन्स वाई एवरीबडी लव टू वॉच हिम, तो हम 3 रीजन्स लिखेंगे। वो एक एक्सेलेंट एथलीट थी, वंडरफुल टीम मेंबर थी और फनी भी थी, ठीक है। एज व्हेन ही प्लेड फॉर ब्राजील फॉर द लास्ट टाइम, तो उनका एज क्या था, 34 इयर्स का था वो। नेम ऑफ लास्ट टीम ही प्लेड फॉर, तो उस टीम का नाम था न्यूयॉर्क कॉस्मोस। अच्छा, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन उसका क्या है, तो उन्होंने लिखा था कि वो ब्राजील की टीम के लिए एक कोच है, एक सरबराह के तौर पर काम करता है, ठीक है। अच्छा, राइटिंग नंबर 17, राइट अ पैराग्राफ अबाउट अ फेमस एथलीट, इंक्लूड सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो आप अगर किसी फेमस एथलीट को जानते होंगे तो उनका नेम लिखना है, प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, व्हेन ही और शी स्टार्टेड प्लेइंग द स्पोर्ट, इम्पॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स उनके हवाले से लिखने हैं, ग्रेटेस्ट एथलेटिक अकम्पलिशमेंट्स उनकी क्या क्या है, अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जैसे कि सैलरी हो गया, फैमिली उनकी हो गया, एटसेट्रा। तो आपने किसी फेमस एथलीट के बारे में लिखना है, मेरे ख्याल से बाबर आजम ठीक रहेगा या शहनशाह अफरीदी, जो भी आप जानते हो उनके हवाले से आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, री एंट्री, कंप्लीट द पैराग्राफ विद द वर्ड्स ऑन द लिस्ट, जैसा कि हो गया बीट, कोच, क्विकली, नर्वस, हार्ड, प्लेयर्स, सॉकर, देम, दे, वोन, व्हेन फील्ड, व्हेन सॉकर गेम। अच्छा, तो इसको कंप्लीट करते हैं इन वर्ड्स के साथ, बिफोर द डैश मैच, बिफोर द सॉकर मैच, इन मिडल टाउन, The Winfield team was dashed. The Winfield team was nervous. Their dash said, their coach said, "You played this team last month and you dashed them and you beat them." ठीक है? You can beat dash again. You can beat them again. The Winfield team played well. Dash kicked the ball. Dash. So हम कहेंगे they kicked the ball hard and they ran as dash as possible, as quickly as possible. The Middletown team had good dash too, had good players too, but when field dashed the game, but when field won the game. ठीक है? अच्छा, work with a partner, choose the roles. Student A, ये final activity है, student A or student B, then role play the conversation. You can use some of these questions in your conversations. Where are you going? How was your soccer match? What happened in the soccer match? For example, student A jo hai, yesterday you were in a swimming race and you came in first. Aap first aaye the. Now you are going to a friend's house. Aap friend's ke house ja rahe ho. You meet student B on the street. You know he or she had a soccer game today. Ask student B about it. To aapne uske hawale se questions usse karne hain.
Student B, you are going home after the soccer match. Your team lost and you played badly. The score was 2-0 or 2-0. You meet student A on the street. You know student A was in a swimming race yesterday. Ask him or her about it. तो आपने इन मैचेस के हवाले से क्वेश्चंस करने हैं. स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी से क्वेश्चन करेगा मैच के हवाले से, और स्टूडेंट बी जो है वो स्टूडेंट ए से क्वेश्चंस करेगा उसकी मैच के हवाले से. तो आपने ये फाइनल एक्टिविटी करनी है अपने दोस्त के साथ. अच्छा, तो ये आप लोगों का डिक्टेशन है यूनिट नंबर 11 में. आपने इस डिक्टेशन को ज़रूर देना है. तो इसी के साथ यूनिट 11 का इख्तिताम होता है. इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मिलेंगे यूनिट नंबर 12 में. खुदा हाफिज़.